हाय ऑल। तो गाइस, यूट्यूब के ट्यूटोरियल जो है उसके पार्ट वन में हमने देखा था कि चैनल का जो कस्टमाइजेशन है उसमें ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो में क्या क्या होता है। ओके, बेसिक इन्फो में जो आपको डालना होता है वो हमने देखा, कौन से लिंक डालने हैं, क्या डालना है, ईमेल आईडी एक्सेट्रा, और ब्रांडिंग में क्या क्या डालना होता है, जैसे बैनर कैसे बनाना है, बैनर कैसे लगाना है, पिक्चर लोगो जो है, और आपका वाटरमार्क क्या होना चाहिए वो। ओके, और आज हम देखेंगे रिगार्डिंग लेआउट और सेटिंग्स। यस, तो लेआउट हम एक बार देख लेते हैं, लेआउट में क्या क्या होता है। तो आप देखोगे लेआउट ऐसे होता है। ओके, चैनल का अगर कोई चैनल ओपन करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चैनल में ओपन करता हूँ, ये चैनल का अगर लिंक आप किसी को शेयर करते हो, ये चैनल का हैंडल मेरा ये है। यस, अगर किसी को मैं शेयर करता हूँ तो चैनल उसको किस तरीके से दिखेगा। चैनल ओपन करते ही उसको ऐसे दिखेगा, मेरा नाम यहाँ पे, मेरा बैनर जो है वो, और ये जो मेरा वीडियो प्ले होगा वो मेरा इंट्रो वीडियो है, ये जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए होता है ये। ओके, तो उसके बाद दिखेंगे उसके पॉपुलर वीडियोस, उसके बाद उसको दिखेंगे शॉर्ट्स, उसके बाद उसको दिखेंगे जो वीडियोस है वो, एंड देन प्लेलिस्ट जो है हमारा उसको यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से मैंने बना के रखा है। ओके, तो आप देख पा रहे हो प्लेलिस्ट जो है लास्ट में है, सेकंड लास्ट वीडियोज है, फिर शॉर्ट्स है, और फिर पॉपुलर वीडियोज है, और फिर मेरा मेन वीडियो है। ओके, तो ये मेरा चैनल का मेन होम पेज है जो किसी अनसब्सक्राइब पर्सन को दिखेगा, तो वो मैंने यहाँ सेट करके रखा है। देखो चैनल का ट्रेलर जो है, जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ लिखा है उन्होंने हु हैवंट सब्सक्राइब, उनको ये दिखेगा वीडियो, और जो लोग ने सब्सक्राइब किया है उनको ये दिखेगा, राइट, वैसा है। और उसके बाद मैं लोगों को दिखा रहा हूँ मेरे पॉपुलर वीडियोज, देन शॉर्ट दिखा रहा हूँ, देन वीडियोज दिखा रहा हूँ, देन प्लेलिस्ट दिखा रहा हूँ। ओके, तो अभी मैं यहाँ प्लेलिस्ट जो है इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, और प्लेलिस्ट अभी सेकंड लास्ट आ गया, बाकी वीडियोज एंड में आ गया, राइट। तो इसको मैं अभी इसको पब्लिश करता हूँ। यस, पब्लिश हो गया है। अभी इसको देखो, अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप हम दिखाना ये था कि प्लेलिस्ट जो है लास्ट में था वो मतलब थोड़ा मूव होकर भी ऊपर आ जाएगा और वीडियो नीचे आएगा। यस, जो सब्सक्राइब नहीं है उसको ये वीडियो दिख रहा है प्रॉपर, और ये वीडियो एक्सेट्रा, एंड देन आ रहा है प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट थोड़ा ऊपर किया था मैंने, ये अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है, तो लेट्स सी अगेन। यस, यहाँ पर ओपन करते हैं इसको ये, और ये ऐसे दिख रहा है, इसको म्यूट करते हैं, और यस, प्लेलिस्ट ऊपर आ गया है और वीडियोस नीचे आ गया है, राइट। तो ये मतलब प्रॉपर ऐसे काम करता है ये, आपको जो सेशन ऊपर दिखाना है यूज़र को वैसे वो दिखता है वो। यस, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ये जो लेआउट है उसका यूज़ करते हैं। यस, आपका लेआउट अच्छा होगा तो आपके जो व्यूवर्स है उनको अच्छा लगेगा जब चैनल को विजिट करेगा कोई नया पर्सन तो। यस, अभी गाइस हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो होता है सेटिंग्स। ओके, सेटिंग अगर आप क्लिक करोगे लेफ्ट मेनू में जो है वो, यहाँ पर आपको ये सारा आ जाएगा ऑप्शंस। ओके, यहाँ पे मेनू है और ज़्यादा क्या है वो। यस, चंद्र में आपको डिफॉल्ट यूनिट जो है वो यहाँ पे दिख रहा है वो। ओके, तो आप करेंसी कुछ भी रख सकते हो, यूएस डॉलर बाय डिफॉल्ट होता है यहाँ पर, आप यहाँ पे INR भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे बहुत पूरे वर्ल्ड की करेंसी यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे इंडिया का भी है INR। ओके, आप सेट कर सकते हो। यस, और चैनल को आप सिलेक्ट करोगे तो आपको चैनल का जो कंट्री ऑफ बेसिक इन्फो क्या आएगा, आपका कंट्री क्या है वो इंडिया, और फिर आपके कीवर्ड्स आएंगे, ये कीवर्ड्स होते हैं आपके चैनल के। ओके, आपके चैनल के क्या क्या वीडियो आप कंटेंट अपलोड करने वाले हो वो आपको यहाँ पे उसके रिगार्डिंग कीवर्ड डालने हैं यहाँ पर। ओके, तो ये मेरा चैनल है रिगार्डिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और फॉरएवर का जो भी है प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा वो सब मैंने यहाँ देख रखा है, ताकि मतलब सर्च में भी वो ऊपर आए, SEO जो है वो भी ऊपर आए। एंड देन आपको आना है एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में आपको सिलेक्ट करना है आपका ऑडियंस क्या होगा, आपको ये सेटिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, आपके चैनल जो है, जो वीडियो बना रहे हो आप, वो बच्चों के लिए होते हैं कि नहीं। अगर आप बच्चों के लिए वीडियो बना ही रहे नहीं रहे हो तो आप उसको नो सेलेक्ट कर दीजिए, हर वीडियो के लिए वो बाय डिफॉल्ट नो रहेगा। अगर आप ऐसे वीडियो बना रहे हो जबकि कुछ बच्चों के लिए होते हैं कुछ बच्चों के लिए नहीं होते हैं, तो आपको हर वीडियो के लिए सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि हाँ भाई मैं हर एक वीडियो के लिए सिलेक्ट करूँगा कि वो वीडियो बच्चों के लिए बना है या नहीं बना है। ओके गाइस, इसको आप सीरियसली लीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई वीडियो बना दिया जो बच्चों के लिए नहीं है और बाय मिस्टेक आपने यहाँ पे बच्चों के लिए सिलेक्ट यस कर दिया, ओके, तो आपका चैनल भी मतलब प्रॉब्लम में आ सकता है। आपका वीडियो प्रॉब्लम में तो आएगा ही फॉर श्योर, लेकिन चैनल ऑल्सो विल कम इन टू प्रॉब्लम, क्योंकि YouTube इज़ वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग सच पॉलिसीज। यस, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। एंड देन आपको ये गूगल एड अकाउंट लिंकिंग को तो अभी काम नहीं आएगा, जब का चैनल हो जाएगा मोनेटाइज तब काम आएगा ये तो आपका फ्यूचर में हम देखेंगे इसके बारे में बाद में। इसका ऑटोमेटिक ऑप्शन कैप्शन जो है, एडवर्टाइजमेंट्स एक्सेट्रा, राइट, तो वो ठीक है, उसको बाई डिफॉल्ट वैसे ही रहने दीजिए। क्लिप्स भी अलाउ, इसको अलाउ नहीं करना है। कोई व्यूवर आपका वीडियो कंटेंट क्लिप करे और किसी और का यूज़ करे तो उसको मैंने तो मना कर दिया है, आप इसको यस भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। यस, उसको आपको सेव करना है, एडवांस में ये सब आएगा।
एंड देन आता है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है फीचर एलिजिबिलिटी। यस, बाय डिफॉल्ट आप देखते हो कि आपका स्टैंडर्ड फीचर जो है वो तो इनेबल होता ही है कि आप प्लेलिस्ट बना सकते हो, वीडियो अपलोड कर सकते हो और कोलाबरेट कर सकते हो अलग प्लेलिस्ट के साथ, वो सब बाय डिफॉल्ट ऑन होता ही है। लेकिन सेकंड जो है ये आपको आपका फ़ोन नंबर देने के बाद वेरीफाई करना होता है फ़ोन नंबर आपका, तब ये इनेबल होता है। इसमें आपको मिलता है कि आपका वीडियो मोर देन 15 मिनट हो सकता है, आप कस्टम थंबनेल ला सकते हो वीडियो के लिए और आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। ओके, तो ये आपको दिखाता है यूट्यूब जब आप फ़ोन नंबर से वेरीफाई करते हो तब। एंड नेक्स्ट आता है एडवांस फीचर्स। गाइज यहाँ पर बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है तो आप ये ध्यान से देखिए। ओके, तो ये एडवांस फीचर जो है यहाँ पर आपका जो स्पेशली फीचर जो है वो ये है कि एम्बेड एक्सटर्नल लिंक्स इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिंक डाल रहे हो कोई एक्सटर्नल, क्योंकि तो आपका कोई एफिलिएट लिंक होगा या फिर कोई भी लिंक होगा आपको डालना है, भले आप डाल पाओगे लेकिन वो ब्लू नहीं होगा जब तक आप ये इनेबल नहीं करोगे तब तक। ओके, तो ये फीचर आपको इनेबल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे और भी फीचर इसमें दिए हैं कि आपको ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकते हो डेली, आप ज़्यादा शॉर्ट डाल सकते हो, लाइव स्ट्रीम एम्बेड कर सकते हो। ओके, और आप मोनेटाइजेशन के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। तो ये सारे फीचर आपको इनेबल करना है तो आपको ये सब गो थ्रू करना होता है। ओके, फिर थर्ड स्टेप जो है एडवांस फीचर वाला, इसमें आपको वैलिड आईडी, आपका भले ही पैन कार्ड हो तो वो सब वो भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दिया है पासपोर्ट है, ड्राइविंग है, लाइसेंस है या फिर गवर्नमेंट का कोई आपका आईडी प्रूफ है, वो आप यूज़ कर सकते हो और इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। यस, आपका अगर वेरीफाइड नहीं है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा वेरीफाई नाउ, फिर आपको ईमेल आएगा, ईमेल पे आपको क्लिक करना है एंड देन आपका कैमरा ओपन करके आपका पैन कार्ड जो है उसका फोटो निकालना है और वो सबमिट करना है। यस, विदिन 24-48 आवर्स ये वेरीफाई होता है अगर आप आईडी से करते हो। तो वीडियो वेरीफिकेशन से होता है कि जब वीडियो ऑन करते हो आप, राइट, तो वीडियो फिर यूट्यूब बोलता है कि लेफ्ट देखो, राइट देखो, अप डाउन देखो, अच्छा तो आप उसको चेक करता है कि आप प्रॉपर ओरिजिनल मतलब ह्यूमन बींग हो या नहीं। ओके, तो वीडियो वेरीफाई वैसे होता है एंड देन यहाँ पे इन्होंने लिख के दिखाया, राइट, सिंपली लुक एट फोन कैमरा एंड फॉलो प्रॉम्प्ट्स, लुक अप डाउन एक्सेट्रा, राइट। तो वो है, तो आपका ये भी 24-48 आवर्स में शायद ये होता है अपडेट, मैंने कभी किया तो नहीं है लेकिन मैंने वैलिड आईडी ही यूज़ किया हमेशा। यस, एंड देन चैनल का हिस्ट्री, चैनल का हिस्ट्री ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, ये शायद शायद ही कोई करता होगा। इसके लिए आपको चैनल पर वीडियो अपलोड करना है महीना 2 महीना भर और फिर यूट्यूब ऑब्जर्व करेगा एंड देन आपका ये वेरीफाई कर देगा। यस, तो ये 3 तरीके से हम लोग ये इनेबल कर सकते हैं। ओके, आपने अब तक इनेबल नहीं किया है, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक ब्लू नहीं है, अब तक क्लिकेबल नहीं है यूजर्स को, तो आप ये वेरीफाई कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपका वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस, आपको इसको सेव करना है एंड देन यू आर डन विद दिस। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अपलोड डिफॉल्ट्स। अपलोड डिफॉल्ट्स हम देख पा रहे हो बेसिक इन्फो जो है वो टाइटल, टाइटल तो हम हर वीडियो के लिए अलग डालेंगे तो टाइटल हम ब्लैंक छोड़ेंगे यहाँ पर, लेकिन डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे ऐसी कुछ लिंक होती है आपकी एफिलिएट लिंक एक्सेट्रा जो आप हर वीडियो के लिए मतलब रखते ही हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे कुछ हैशटैग्स हैं, ये मेरा कॉमन हैशटैग है जो तो हर वीडियो के लिए होते ही है, और ये मेरा डिस्क्लेमर है वो भी मैंने डाल के रखा है बाय डिफॉल्ट है वो, राइट। फिर ये मेरा म्यूजिक जो मैं यूज़ करता हूँ मेजर, वो यहाँ पे रखा है, अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो मैं आई कैन एडिट ऑल्सो दिस हर वीडियो के लिए। तो ये भी कुछ एफिलिएट लिंक्स है मेरे अमेजन के एक्सेट्रा, राइट, तो वो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर, जो मैं मुझे बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगर मैं कुछ नया वीडियो अपलोड करता हूँ थ्रू लैपटॉप यूट्यूब स्टूडियो, तो ये सब ये भरा डिस्क्रिप्शन जो है ऑटोमेटिक भरा हुआ वहाँ पे आ जाएगा, मुझे बस ये एडिट करना है यहाँ पर क्वेरीज में, मतलब क्या क्या क्वेरीज है वो यहाँ पे एंटर करनी है, टाइटल क्या वहाँ पे एंटर करना है उतना ही। ओके, म्यूजिक मैंने कुछ चेंज किया तो मुझे म्यूजिक का ये निकाल के अलग अलग म्यूजिक लगाना है, हैशटैग मुझे कुछ ऐड कर दो और मुझे हैशटैग यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन बाकी सारा 90% काम जो है यहाँ पर हो ही गया है। ओके, भर दिया वो। विजिबिलिटी मैं सिलेक्ट करता हूँ हर वीडियो के लिए तो मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं किया है, और टैग्स हर वीडियो के लिए टैग्स मतलब अलग अलग होते हैं मेरे, तो मैं इसको भी ब्लैंक छोड़ा हूँ, इसको आपको सेव करना है। यस, एंड देन गो फॉर एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग में आपको जाना है कि ये जो बाय इसको कुछ बाकी लोग को कुछ छेड़ना नहीं यहाँ पर, बस आपका कैटेगरी जो है आपको सिलेक्ट करना है। ओके, जैसे मेरा कैटेगरी एजुकेशन है, हम एजुकेशन में डील करते हैं तो एजुकेशन मेरा कैटेगरी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सारे कैटेगरीज है ना, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा सब कुछ कैटेगरी है यहाँ पर। ओके, फिल्म एनिमेशन है, न्यूज़ पॉलिटिक्स है, म्यूजिक है एक्सेट्रा, राइट, आपको प्रॉपर आपके निश के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। यस, मेरे लिए तो एजुकेशन फिट है तो मैंने एजुकेशन सिलेक्ट किया है। यस, और कमेंट्स में आई थिंक सेकंड वाला हमेशा बेटर रहता है। ओके, होल्ड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स, क्योंकि कभी कभी लोग इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स भी दे सकते हैं इन केस आपका कंटेंट उनको पसंद नहीं आया तो, राइट, तो ऑलवेज सेलेक्ट होल्ड करना है इसको और देन दैट इज इनफ। और ये जो है चेकबॉक्स, इसका मीनिंग है कि कितने व्यूवर्स को ये वीडियो अच्छा लगा वो लाइक जो है बाकी लोग को दिखे या ना दिखे। ओके, इसका है ये, तो मैंने इसको ऑन ही कर दिया कि हाँ भाई जितने लोग को अच्छा लगा है वो दिखेगा, राइट, दैट इज़ फाइन, तो इसमें कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं, तो इसको मैंने यस कर दिया है यहाँ पर, इसको आपको सेव करना है। यस, तो ये था रिगार्डिंग अपलोड डिफॉल्ट्स। ओके, एंड देन विल मूव टू परमिशंस। गाइस, परमिशन में ऐसा कुछ खास तो अपने को चेंज करना नहीं है, मैंने कभी चेंज किया नहीं है, तो आप भी इसको मत चेंज कीजिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो यूट्यूब तो। ओके, फ्यूचर में आपको कुछ जरूरत पड़े तो ही कीजिए ये। ओके, देन वी गो फॉर कम्युनिटी। कम्युनिटी में भी यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैंने कभी कुछ चेंज नहीं किया है। ओके, और डिफॉल्ट की बात करें यहाँ भी कुछ मैंने चेंज किया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कमेंट्स का ही है जो मैंने सिलेक्ट किया था पीछे वो। क्रिएटर डेमोग्राफिक्स,
तो ये तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, शायद नया फीचर है, लेकिन कुछ अपने को यूज़ का नहीं लग रहा अभी तो। ये एवरी 45 डेज क्रिएटर डेमोग्राफिक्स, ओके, तो ये क्रिएटर के बारे में, सर्वे के बारे में है ये बस, ओके, तो आपके कंटेंट के लिए इतना मतलब यूज़फुल नहीं होगा वो। एंड देन एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स तो मतलब ये बस यूट्यूब का एग्रीमेंट है कि आपको क्या मतलब यूट्यूब पर डालना है नहीं डालना है, आपको सब ये रीड करना है एक बार, ओके। यस, तो राइज ये था सेटिंग के बारे में। जनरल में आप देख पा रहे हो करेंसी क्या है वो, चैनल के बारे में आप देख पा रहे हो बेसिक इन्फो, कीवर्ड्स क्या है, एडवांस सेटिंग में आप देख पा रहे हो कि ऑडियंस क्या है, राइट, वो सिलेक्ट करना है। फीचर एलिजिबिलिटी आपने सिलेक्ट किया कि हम लोग थर्ड फीचर जो है वो इंपॉर्टेंट है और बाकी सेकंड जो आपको फोन से इनेबल करना होता है, ओके। तो ये फीचर इनेबल करना इंपॉर्टेंट है बहुत, वो आप कीजिए ध्यान रखे। एंड देन अपलोड डिफॉल्ट में आपको आएगा डिस्क्रिप्शन जो है उसको डाल के रखिए कुछ, तो बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन वहाँ पे आ जाएगा, बाकी जरूरत नहीं है कुछ। और देन एडवांस में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है याद रख के, ओके। और ये कमेंट्स का है, सेकंड वाला सिलेक्ट कीजिए, होल्ड पोटेंशियली वाला, यस। परमिशन में कुछ खास नहीं करना है, कम्युनिटी में कुछ नहीं करना है, क्रिएटर डेमोग्राफिक्स में कुछ नहीं करना है, एग्रीमेंट में भी कुछ नहीं करना है, यस। इसको आपको सेव करना है, यस। सेव करोगे तो आपका सेटिंग जो है वो सेट हो जाएगा, ओके, यस। तो गाइस इस तरीके से हमने देखा अभी कस्टमाइजेशन जो है उसमें हमने देखा ब्रांडिंग कैसे करना है, बेसिक इन्फो कैसे देखना है और लेआउट कैसे देखना है, ओके। ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो हमने पार्ट वन में देखा और लेआउट और बाकी सेटिंग जो है वो हमने पार्ट टू में देखा। आने वाले पार्ट्स में भी हम यूट्यूब के बारे में और डिटेल में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे, ओके, यस। तो गाइस इसके बारे में अगर आपको अब तक के पार्ट वन और पार्ट टू के बारे में अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चंस, यस। और इन केस आपको यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9773637970। हमारा एक वेरी ब्यूटीफुल कम्युनिटी है और यूट्यूबर्स, ओके, ऑफ यूट्यूबर्स, अगर आपको ज्वाइन करना है वो, आपको यूट्यूब में ग्रो करना है, बिजनेस भी बनाना है उसके साथ, तो आप मुझे कनेक्ट कीजिए एंड वी विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप, यस। और गाइस सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जब कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।